और रुक करते राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर है साई कैबिनेट की कल बैठक होगी। सीएम साई की अध्यक्षता में मंत्रालय में ये बैठक बुलाई गई है। मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम साई। समीक्षा के साथ ही संशोधन विधेयकों को लेकर भी चर्चा संभव है। मॉनसून की स्थिति, खरीफ फसलों के लिए खाद्य बीज की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। कैबिनेट में किसानों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही स्कूली बच्चों के हित में कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी प्रत्यक्ष प्रणाली प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में कल साई कैबिनेट की बैठक होगी और ये बैठक इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि मानसून सत्र की तैयारियों पर इसमें चर्चा होनी है। समीक्षा की जाएगी, संशोधन विधेयकों को लेकर भी चर्चा संभव। विधायकों से मानसून की स्थिति पर चर्चा होगी, किसानों के विषय पर चर्चा होगी, खरीफ फसल को लेकर चर्चा होगी और खासतौर पर जिस तरह से खाद बीज की समस्या छत्तीसगढ़ में बनी हुई है इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो सीएम साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय में ये बैठक होगी जिसमें कई तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है, मॉनसून की स्थिति के साथ ही मॉनसून सत्र पर चर्चा हो रही है, क्या एजेंडा होगा, किन किन विषयों पर मुहर लगेगी, एक बार फिर से विस्तार से समझाएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, कल साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और दोपहर 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी और इसमें जो खरीफ फसल को लेकर जो है चर्चा की जाएगी, साथ ही किसानों को खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी कि किसानों को पर्याप्त रूप से खाद बीज मिल पा रहा है या नहीं, इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही जो मानसून सत्र है जो 22 जुलाई से 26 जुलाई तक होना है, इसको लेकर जो है जो संशोधन विधेयक लाए जाने हैं उस पर चर्चा की जाएगी। कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जाएगी। कहा जा रहा है कि जो निकाय चुनाव होना है वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार करा सकती है, तो इसको लेकर जो है एक विधेयक भी जो है सरकार पारित कर सकती है। इसके अलावा पूरे जो जिस तरीके से कांग्रेस विधानसभा मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो कई सारे मुद्दे हैं, खासतौर पर अधिकारी कर्मचारियों के हित में कुछ फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा जो शैक्षणिक सत्र चल रहा है, क्योंकि कई स्कूलें जर्जर स्थिति में है, तो उसका रिनोवेशन जल्द से जल्द हो, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, ये बैठक छात्रों के हित में है, किसानों के हित में होगी, इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव भी पास होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।